अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले पीछे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ आर 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। बी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डीईटी। डिटर्मिनेंट ए और इसको हम इस नोटेशन में डिनोट करेंगे, इज डिफाइंड एज। इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। इस चीज का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले इसको मोड में लिखना है आपने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ए डी सेंटर में माइनस आएगा और सी बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इसका कोई ना कोई आंसर निकल आएगा जो एक रियल नंबर होगा। डिटर्मिनेंट सिंपल आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले मोड में लिखकर मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के दरमियान में माइनस आएगा। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, डिटर्मिनेंट के लिए भी सिंगुलर होना है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ही मैट्रिक्स होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। हम इसका डिटर्मिनेंट लें ए का और उसका आंसर जीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये इसने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, उसका आंसर जीरो है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। टू ही कंडीशन हो सकती है, ये आंसर जीरो आ सकता है। अगर जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होगा और अगर जीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये कोई भी मैट्रिक्स है, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल आपको पता है, ये डायगोनल होता है जो एजेस को आपस में मिलाता है। डायगोनल की वैल्यूज को, एंट्रीज को आपने इंटरचेंज कर देना है, मतलब ए की जगह डी को लिख देना है, डी की जगह ए को लिख देना है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी दो एंट्रीज बच जाएंगी उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, डायगोनल जो है उसकी वैल्यूज, उसकी एंट्रीज को आपने इंटरचेंज कर देना है और जो बाकी बच जाएंगी उनके साइन चेंज कर देने हैं। और इसको डिनोट कैसे करना है, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। एक्सरसाइज 1.5 है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको मोड में लिखेंगे ए, इस मैट्रिक्स को भी आपने मोड में लिख देना। नेक्स्ट क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, सेंटर में सब्ट्रैक्शन आएगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ये से जीरो कर देगा, माइनस 2 1 2, आंसर आ जाएगा माइनस 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले मोड में लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में साइन नेगेटिव आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है।
नेक्स्ट हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं. बी इक्वल्स टू 1, 3, 2, -2. सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट में मोड में लिखेंगे 1, 2, 3, -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 × -2. सेंटर में सब्ट्रैक्शन आएगी 2 × 3. −2 − 3 = 6. माइनस माइनस प्लस 6 + 2 = 8 और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन. पार्ट थ्री है. सी इक्वल्स टू 3, 2, 3, 2. ये 2015 में बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सबसे पहले इसको मोड में लिखेंगे डिटर्मिनेंट की नोटेशन में. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × −3 × 2. 3 × 2 = 6. −3 × 2 = 6. सेम वैल्यू है ऑपोजिट साइन के साथ कैंसल होकर आंसर 0 आ जाएगा. फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं. डी इक्वल्स टू 3, 2, 1, 4. सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन में लिखूंगी 2, 4. 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है. सेंटर में सब्ट्रैक्शन 1 × 2. 12, 4 × 3 = 12. −2. प्लस माइनस माइनस 12 − 2 = 10. बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है. पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं. अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. ये आपने फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है. मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब हम उसका डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 आ जाए. उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर आंसर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. ए इक्वल्स टू 2, 3, 6, 4. सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे. इसको मोड में लिखूंगी 2, 3, 6, 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाती हूं 2 × 4. सेंटर में सब्ट्रैक्शन 3 × 6. 4 × 2 = 8. −6 × 3 = 18. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. फाइंड करना है कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर. सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 आ जाए तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. अगर डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 ना आए तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. क्वेश्चन 1 है 3, 2, 6, 4. डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 3 × 4 − 2 × 6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है. 4 × 3 = 12. 6 × 2 = 12. 12 − 12 = 0. अब आंसर 0 आ गया है. एज डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0. एज डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर. पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं. बी इक्वल्स टू 4, 3, 1, 2. सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 4, 3, 1, 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 − 3 × 1. 4 × 2 = 8 − 3 × 1 = 3. प्लस माइनस माइनस 8 − 3 =
5 बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं। अब आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब है एस डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। आंसर लिया पर आंसर 0 नहीं आया, सो मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। अगर आंसर 0 आ जाता तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होता। क्वेश्चन 3 है, पार्ट 3। सी इक्वल्स टू 7, 3, -9, 5। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मोड में लिखेंगे 7, 3, -9, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 × 5, सेंटर में सब्ट्रैक्शन 3 × -9। 7 × 5, 7 × 5 = 35, −−+, 9 × 3 = 27, +++35+27 = 62। आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, एस डिटर्मिनेंट सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। इसका फोर्थ पार्ट है, डी इक्वल्स टू 5 − 2 − 10 = 4। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ये देखने के लिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी 5 × 4 − 2 × 10, −2 × −10, 5 × 4 = 20, −−+, और ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, 10 × 2 = 20। आंसर 0, एस डिटर्मिनेंट डी इक्वल्स टू 0, सो मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता? अगर हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 आ जाए तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के लिए मोड में लिखूंगी −2, −1, 2, 3, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी −1 × 0, −2 × 3, 0 − 3 × 2 = 6, −6। आंसर 0 नहीं आया, एज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी। डिटर्मिनेंट हमने ए का फाइंड कर लिया, अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर दूंगी और बाकी के साइन चेंज कर दूंगी, तो उसे क्या कहेंगे? एडजॉइंट कहेंगे।
0, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 2. डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज कर दी और बाकी के साइन मैंने चेंज कर दिए. अब इसको बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज पुट करनी है इनवर्स फाइंड करने के लिए. डिटर्मिनेंट क्या था? 1, माइनस 6. और एडजॉइंट की क्या वैल्यू है? 0, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1. ये इसके साथ हर एंट्री के साथ डिवाइड हो रहा है. इसको अंदर ले जाऊंगी माइनस 6 को. 0 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 6. माइनस 6 डिवाइड हो रहा है सबसे. 0 से डिवाइड करूंगी, माइनस 3 से डिवाइड करूंगी, माइनस 2 से और फिर माइनस 1 से. इसका तो आंसर 0 ही आ जाएगा. माइनस माइनस से कैंसिल हुआ. 3 वन जार 3, 3 टू जार 6, 1 बाय 2. 2 वन जार 2, 2 3 जार 6, 1 बाय 3 और 1 बाय 6. ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया. पार्ट 2 है b इक्वल्स टू 1 माइनस 3, 2 माइनस 5. इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों डिटर्मिनेंट लेना है. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो क्वेश्चन एंड है, आप इनवर्स उसका फाइंड ही नहीं होता. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तब हम क्वेश्चन को आगे मूव करवाएंगे. सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ बी का. 1 माइनस 3, 2 माइनस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी. 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2. माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 टू जार 6. आंसर क्या आया? माइनस 1. नॉट इक्वल्स टू 0. बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसके साथ 1 के साथ पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव 1 नॉट इक्वल्स टू 0. आंसर 0 के इक्वल नहीं आया. क्या लिखूंगी? एस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट. बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट पता आपको कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे और बाकी के साइन चेंज कर देंगे. ये मैंने एडजॉइंट फाइंड कर लिया. बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट भी. डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 और एडजॉइंट की वैल्यू ये 1. किसी भी चीज से डिवाइड होगा वो उसको वही रहने देगा. माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 1. ये इसका आंसर. पार्ट 3 है c इक्वल्स टू माइनस 2 3 6 माइनस 9. सबसे इसका हमने क्या फाइंड करना है? इनवर्स. इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता? अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो. सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ, मोड में लिख लूंगी. माइनस 2 3 6 माइनस 9. माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी. माइनस 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई सॉरी सब्ट्रैक्ट, सेंटर में सब्ट्रैक्शन आएगा.
3 multiply 6. 9 2s are 18. Center wala subtraction 3 6 are 18. 0. अब इसका आंसर 0 आ गया है. As determinant of C equals to 0. So C inverse does not exist. जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. पार्ट डी है, डी इक्वल्स टू पार्ट फोर. डी इक्वल्स टू 1/2, 1, 3/4, 2. सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं. 3/4, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी. 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 3/4. ये 2 इस 2 से कैंसल हो गया. 1 माइनस 3/4. आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं. किसी भी चीज के नीचे 1 हो सकता है. अब दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो उसका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लूंगी 4. 1 4s are 4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगी. 4 1s are 1, 4 1s are 4, 1 आंसर आया. 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 से. 3 1s are 3. प्लस माइनस माइनस 4 minus 3, 1/4 नॉट इक्वल्स टू 0. एस डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो इनवर्स एग्जिस्ट. इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी इनवर्स इक्वल्स टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी. डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ डी आपको पता है, डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर दूंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज को के साइन को चेंज कर दूंगी. ये मैंने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया. नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. डिटर्मिनेंट आया था 1/4 और एडजॉइंट की वैल्यू है 2 minus 3/4 minus 1, 1/2. ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि बाय के बाय में है. 4, 2 minus 1 2 minus 1, 3/4, 1/2. 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब से. 4 multiply 2, 4 multiply -3/4, 4 multiply -1, 4 multiply 1/2. 8 minus 4, ये 4 इस 4 से कैंसल होगा. -3, 2 1s are 2, 2 2s are 4. ये इसका एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4. इफ a इक्वल्स टू 1, 4, 2, 6 एंड b इक्वल्स टू 3, 2, -1, -2. उसने दो मैट्रिक्स आपको दे दिए हैं. फर्स्ट पार्ट है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A I. 3 साइड्स हैं इसकी, ठीक है. सबसे पहली साइड क्या है, आपने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है और फिर A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A करना है. सेकेंड साइड क्या है, पहले एडजॉइंट ऑफ A को रखना है, फिर A को रखना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है. थर्ड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है और इसको
यूनिट मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ये तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, वो हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज सबसे पहले डायगोनल की वैल्यूज इंटरचेंज करेंगे 6, 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए मैट्रिक्स रखूंगी 1, 4, 2, 6 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए है, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखूंगी -2, 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। फर्स्ट रो लूंगी, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 × 6 + 2 × -4। 1 अब सेकंड कॉलम से -2 + 2 × 1। सेकंड रो लूंगी फर्स्ट कॉलम से 4 × 6 + 6 × -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 2 + 6 × नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 × 1 = 6 ± −4 × 2 = 8 6 × 4 = 24 ± −6 × 4 = 24 −2 + 2 −4 × 2 = 8 + 6 ± −8 −6 2 बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, ये 0, इसमें भी 0 और ±, इसका आंसर क्या आएगा -2 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी क्योंकि एक साइड हमारी सॉल्व हो गई है, नेक्स्ट हम कंपेयर कर सकें इजीली। नेक्स्ट कौन सी साइड थी, नाउ सेकेंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, पहले एडजॉइंट रखूंगी 6 − 4 − 2 = 1 और फिर ए की वैल्यू रखूंगी 1, 4, 2, 6 दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, फर्स्ट रो लूंगी उसे फर्स्ट कॉलम से 6 × 1 + −2 × 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 × 2 + −2 × 6 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम −4 × 1 + 1 × 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम −4 × 2 + 1 × 6 नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 6 × 1 = 6 ± −4 × 2 = 8 −4 + 4 6 × 2 =
12 - 12 - 8 + 6 - 2 - 0 - 2। इसको इक्वेशन 2 कह दूंगी। अब थर्ड साइड सॉल्व करेंगे। थर्ड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आई के साथ। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का थर्ड साइड के लिए। एज थर्ड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? मोड में लिखूंगी 1, 4, 2, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 - 6 - 2 - 4। 6 - 8 + - 2 और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है। अब आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको पता है। आई एज आई इक्वल्स टू 1, 0, 0, 1। अब कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आई से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है और आई 0, आई है 1, 0, 0, 1। -2, 0, 0, -2। ये इक्वेशन 3 है। अब कंपेयर करें इक्वेशन 1, 2 और 3। सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इनसे क्या प्रूव हुआ? ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तीनों को हमने सॉल्व किया है और तीनों के आंसर एक ही है, मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल। सेकेंड पार्ट है बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी इनवर्स बी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और फिर पहले बी इनवर्स को रखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स को रखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका भी आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करती हूँ। बी की वैल्यू क्या है? आपके क्वेश्चन में गिवन है 3, 2 - 1 - 2। ये बी की वैल्यू है। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 - डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगी ताकि हमें वैल्यूज पुट करना इजी हो। डिटर्मिनेंट बी का फाइंड करेंगे 3, 2 - 1 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगी 3 - 2 - 2 - 1। 3 - 2 - 6 - - +2, 2 - 1 = 2। -4 is not equals to 0।
अगर यहाँ पर आंसर जीरो आ जाता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना था. अब आंसर जीरो नहीं आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी. एडजॉइंट ऑफ बी कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल की वैल्यूज एंट्रीज इंटरचेंज कर देते हैं और रेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यूज जो हैं उनके साइन चेंज कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन. डिटर्मिनेंट क्या आया था? -4. एडजॉइंट -2, -2, +1, 3. -2 ये डिवाइड हो रहा है अंदर. -4, -2 बाय -4, +1 बाय 4, 3 बाय 4. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2. बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी इनवर्स बी. सबसे पहले इसमें आपको बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा. बी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 3, 2, -1, -2. बी इनवर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे. बी इनवर्स का क्या फार्मूला होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी. इसको इक्वेशन 1 कह लूंगी ताकि पुट करना वैल्यूज इजी हो. डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी बी का 3, 2, -1, -2. 3 × -2 -2 × -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया. -6 + 2 - 4 नॉट इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड कर लूंगी. एडजॉइंट ऑफ बी. एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज करूंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दूंगी बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन में वैल्यूज पुट करेंगे. 1 बाय -4 और एडजॉइंट की क्या वैल्यू है? -2 - 2 + 1. ये मैंने बी का इनवर्स फाइंड कर लिया. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? बी इंटू बी इनवर्स, मतलब पहले आपने बी मैट्रिक्स रखना है फिर बी इनवर्स रखना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है. एस बी इंटू बी इनवर्स. सबसे पहली कंडीशन ये है बी की क्या वैल्यू है? 3, 2 - 1, -2 और बी इनवर्स की क्या वैल्यू है? -1 बाय 4, -2, -2, +1, 3. ये -1 बाय 4 को मैं सबसे पहले शिफ्ट कर दूंगी. पहले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा लूंगी फिर उसे 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी. -2, -2, +1, 3. दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट रो लूंगी उसे फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी. 3 × -2 + -1 × -2. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 1 + -1 × 3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -2
प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू मल्टीप्लाई वन प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई. नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया इन सबको, माइनस वन बाय फोर प्लस माइनस माइनस सिक्स माइनस टू फोर बड़ी वैल्यू के साथ का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यू है ऑपोजिट साइन के साथ जीरो. इसका भी आंसर जीरो. प्लस माइनस माइनस ये फोर और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव. आप माइनस वन बाय फोर अंदर डिवाइड हो जाएगा, माइनस फोर बाय माइनस फोर जीरो जीरो माइनस फोर बाय माइनस फोर. माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, फोर वन जार फोर वन जीरो जीरो वन. आंसर क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसी तरह आप दूसरी वैल्यू पुट करेंगे बी इनवर्स इंटू बी. बी इनवर्स इंटू बी, पहले बी इनवर्स रखूंगी वन बाय फोर. बी इनवर्स की वैल्यू रख दी, फिर मैंने बी मैट्रिक्स रखा. दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवा लूंगी. पहली रो पहला कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस टू. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू. माइनस वन बाय फोर, थ्री टू जार सिक्स माइनस सिक्स प्लस टू. माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस टू, माइनस माइनस प्लस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू, प्लस माइनस माइनस थ्री टू जार सिक्स. माइनस वन बाय फोर, प्लस माइनस 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 फोर जीरो जीरो माइनस फोर. अब ये माइनस वन बाय फोर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. या आप माइनस वन बाय फोर को मल्टीप्लाई करवा लें या आप सिंपल माइनस फोर से डिवाइड कर दें. माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन बाय फोर जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन बाय फोर जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन बाय फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन बाय फोर. ये फोर इस फोर से कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस वन जीरो जीरो वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी. हेंस आंसर दोनों के आइडेंटिटी आए हैं बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू बी. क्वेश्चन नंबर फाइव है डिटरमाइन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. दो मैट्रिसेस गिवन है, आपने फाइंड करना है ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के नहीं. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का पता कैसे चलेगा? देखें फोर और वन बाय फोर, ये फोर वन फोर का इनवर्स है वन बाय फोर. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है. अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए.
इनवर्स कब होता है किसी चीज का? जब हम उसे उस पर्टिकुलर थिंग के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी है। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 3, 4, 5, 7, 7 - 4 - 5, 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, +5 × -4, 3 × -5, +5 × 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 4 × 7, +7 × -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 4 × -5, +7 × 3। हम इसको तेज करें जितना पसीना आ रहा है। 7 × 3 = 21, +−5 × 4 = 20, 7 × 4 = 28, −±7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15, +15 −20, +7 × 3 = 21, +−1 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा 0, 0, 1 इक्वल्स टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। ये एक दूसरे का इनवर्स है एस प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दे आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट टू, टू मैट्रिसेस गिवन हैं, आपने फाइंड करना है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। इसके लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लूंगी, अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं, अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 × -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 2 × -3, +3 × 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 2 × 2, +3 × -1, -3, +4, 3 × 2 = 6, -6, +6, 2 × 1 = 2, -2, 2 × 2 = 4, -3। +1, 0, 0, +1, मतलब आंसर आइडेंटिटी आ गया एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी, सो दे आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए मैट्रिक्स गिवन है बी एंड डी, पार्ट वन है ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए बी होल का इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, ए बी, ए की वैल्यू रखूंगी 4 -1 0 2। ये मैट्रिक्स ए है, बी -4 1 -2 -1, ये बी मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 -4 + 0 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -2 + 0 -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -4 + 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 -2 + 2 -1, -16 + 0 + 4 + 2, -8 - 1, -1 × 0 = 0 होगा। -(+2, -2) -16 6 - 8 0। अब हमने ए बी फाइंड कर लिया है, कंडीशन क्या थी, फाइंड करना है ए बी होल का इनवर्स। सबसे पहले ए बी होल इनवर्स का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 by determinant ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे ए बी का, ए बी में अभी निकाला था -16 6 - 8 0, -16 × 0 - 6 × -8, ये 0 हो जाएगा, -(+6 8) = 48, नॉट इक्वल्स टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे 0 - 16 और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे -6 + 8। By putting in equation 1, determinant भी मैंने find कर लिया था 48 और adjoint भी find कर लिया -6 + 8 - 16। Left hand side मैंने proof कर ली, अब right hand side की तरफ move करती हूँ। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें सबसे पहले बी इनवर्स चाहिए होगा, फिर ए इनवर्स फाइंड करूंगी, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। बी है क्या, -4 1 -2 - 1, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी बी का, -4 1 -2 - 1,
माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस फोर माइनस माइनस प्लस टू सिक्स। डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे क्योंकि इनवर्स में एडजॉइंट भी चाहिए होता है हमें। डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज। बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी, या पहले भी लिख सकते हो और फिर एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वन बाय सिक्स माइनस वन माइनस वन प्लस टू माइनस फोर। ये अभी मैंने बी इनवर्स फाइंड किया है, अब मैं ए इनवर्स फाइंड करती हूं। ए इनवर्स इक्वल्स टू वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही इसका फार्मूला है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगी, फोर माइनस वन जीरो टू, फोर मल्टीप्लाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा इसको जीरो कर देगा, एट प्लस जीरो एट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एडजॉइंट फाइंड कर लूंगी, एडजॉइंट ऑफ ए टू फोर नॉन डायगोनल के साइन चेंज, जीरो के साथ प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इनवर्स वन बाय एट इंटू टू वन जीरो फोर। अब कंडीशन क्या थी, मल्टीप्लाई करवाना था बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू को। बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी, वन बाय सिक्स इंटू माइनस वन टू माइनस फोर, और ए इनवर्स की क्या वैल्यू है, वन बाय एट टू वन जीरो फोर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको मैं आगे शिफ्ट कर दूंगी, सिक्स एट आर फोर्टी एट, और दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी, वन बाय फोर्टी एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस टू वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई फोर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई टू माइनस फोर मल्टीप्लाई वन, सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाई फोर। फोर वन बाय फोर्टी एट माइनस टू प्लस टू, टू वन जार टू माइनस टू माइनस फोर जीरो प्लस एट, ये जीरो कर देगा इसे, माइनस फोर फोर जार सिक्सटीन, वन बाय फोर्टी एट जीरो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सिक्स प्लस एट
और माइनस 16। अब आपने कंपेयर कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे हमने क्या प्रूव किया था, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट टू है डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है डी ए होल इनवर्स। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करूंगी, डी ए, डी की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 2 1 2, और ए की क्या वैल्यू है, 4 माइनस 1 0 2। ये मैंने खुद से पुट नहीं की, आपके बुक में क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ट्वेल्व माइनस 1 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2 वन जार 2, 0 प्लस 2 0 प्लस 4। इलेवन माइनस माइनस प्लस माइनस 10, बड़ी वैल्यू के साथ का साइन, प्लस 2 प्लस 4। ये हमने डी ए फाइंड किया है, फाइंड क्या करना था, डी ए होल इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी डी ए का। 11 माइनस 10 प्लस 2 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 2, 44 माइनस 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 प्लस और ये 20, 64 नॉट इक्वल्स टू 0। इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और एडजॉइंट चाहिए होता है, एडजॉइंट फाइंड कर लूंगी। एडजॉइंट ऑफ डी ए, डायगोनल की वैल्यूज इंटरचेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, अब डी ए होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। डिटर्मिनेंट 1 बाय 64, एडजॉइंट क्या है, 4 10 माइनस 2 11। इसे आप इक्वेशन 1 कह दो ताकि कंपेयर करना इजी हो लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए इनवर्स डी इनवर्स। पहले ए इनवर्स फाइंड करूंगी, फिर डी इनवर्स फाइंड करूंगी और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट चाहिए, फोर माइनस 1 0 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूंगी, 4 मल्टीप्लाई 2
माइनस जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन, 4 2 8 ये इसको जीरो कर देगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो. नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करूंगी. एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डायगोनल की वैल्यूज एंट्रीज जो हैं उनको इंटरचेंज 2 4 और रेस्ट का साइन चेंज. अब ए इनवर्स में पुट कर दूंगी, 1/8 और 2 1 0 4. नेक्स्ट डी इनवर्स फाइंड करूंगी. डी इनवर्स का क्या फार्मूला बनेगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी. डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी 3 -2 1 2, 3 × 2 -2 × 1, 3 × 2 = 6 माइनस माइनस प्लस 2, 8 नॉट इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट मैं एडजॉइंट फाइंड करूंगी. एडजॉइंट ऑफ डी क्या बनेगा, डायगोनल की वैल्यूज को एंट्रीज को मैं क्या करूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी, रेस्ट के साइन चेंज कर दूंगी और इसे डी इनवर्स में पुट कर दूंगी. 1/ डिटर्मिनेंट क्या आया, 8 और एडजॉइंट 2 2 -1 3. अब कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए इनवर्स डी इनवर्स ये फाइंड करना था, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था. पहले ए इनवर्स की वैल्यू पुट करूंगी, 2 1 0 4, फिर डी इनवर्स की 1/8 2 2 -1 3, दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी. इस 1/8 को आगे शिफ्ट कर दूंगी, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 8 8 से 8 8 = 64 और दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी प्लस 0 × 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 × -1 प्लस 0 × 3. इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 × 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 3 और ये मैट्रिक्स को क्लोज करने की कोशिश. वन बाय 64 2 2 = 4 प्लस 0 2 1 = 2 4 2 = 8 -2 और ये 0 -1 4 3 = क्या होगा 12 1/64 4 प्लस 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 8 + 2 10 -2 प्लस माइनस माइनस ये क्या बनेगा 11 12 - 1 11 बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन. इसे इक्वेशन 2 कह दूंगी. अब आपने इक्वेशन 1 के मैट्रिक्स को और इक्वेशन 2 के मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेना है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो पता चला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड.
लेफ्ट साइड पर क्या है, डी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। इसके साथ पार्ट टू भी कंप्लीट हुआ, हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.6 के साथ मिलेंगे।